Fiverr.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं। बिहार चुनाव के तीसरे चरण की वोटिंग 7 नवंबर को है। 78 सीटों पर होने वाली वोटिंग के लिए सियासी गहमा गहमी तेज हो चुकी है, जबकि तीसरे चरण के सियासी रन में कई दिग्गज टिके हैं, कई कद्दावर चेहरे दोबारा वापसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं, कई पलटवार को तैयार हैं। बिहार सरकार के मंत्रियों के लिए तीसरा चरण काफी खास है। इस चरण में राज्य सरकार के 12 मंत्रियों के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के दिग्गज नेता भी चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस वक्त सीएम नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के 31 में से 26 मंत्री विधानसभा के सदस्य हैं। इसमें 24 चुनावी मैदान में हैं। 2 सदस्यों के गुजरने के बाद उनके परिजनों को टिकट दिया गया है। अन्य 5 मंत्री विधान परिषद के सदस्य हैं। इसमें सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, हेल्थ मिनिस्टर मंगल पांडे और सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार शामिल हैं। अगर बिहार सरकार के मंत्रियों को देखें तो पहले चरण में 8 और दूसरे चरण में 4 प्रत्याशी थे। तीसरे चरण में 12 मंत्रियों की किस्मत दांव पर लगी है। तीसरे चरण में सीएम नीतीश के कैबिनेट के खास चेहरे भी शामिल हैं। उनमें मदन सहनी, महेश्वर हजारी, सुरेश शर्मा, प्रमोद कुमार, कृष्ण कुमार ऋषि, विनोद नारायण झा, नरेंद्र नारायण यादव, बिजेंद्र प्रसाद यादव, लक्ष्मेश्वर राम, रमेश ऋषिदेव, खुर्शीद उर्फ फिरोज अहमद और बीमा भारती शामिल हैं। दिवंगत मंत्री विनोद सिंह की पत्नी निशा सिंह प्राणपुर और कपिल देव कामत की बहू मीना कामत बाबू बरही विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी और जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। सभी की इन पर नजरें हैं। खास बात यह है कि तीसरे चरण में राजद और जेडीयू के नए चेहरे भी मैदान में हैं। इसमें निखिल मंडल, चंद्रशेखर, अविनाश ऋषि, गौतम कृष्ण, गुंजेश्वर शाह और आसमा प्रवीण शामिल हैं। इस खबर में इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।